वर्कर्स यहाँ पर आएंगे, कानून आएंगे, उनके लिए रास्ता बंद करने की प्लानिंग की, क्या कहेंगे आप? ये आपको किसने कहा है? प्लान किया गया है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, ये इनके खौफ की निशानी है। ये जितना भी कर ले, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, सारी रुकावटें तोड़ के आएगी, इंशाल्लाह आएगी। मैडम, कल आप बिलावल के साथ आ रही हैं, वहाँ से इकट्ठे निकलेंगे रैली की सूरत में? इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे, इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे। अपोजिशन पूरी करप्शन के अलावा हमसे मुजाकरात करें, हम उनसे मुजाकरात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो जिन भी अल्फाज में अब आपसे NRO मांगे, PDM और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अब NRO नहीं देगी इंशाल्लाह। कल आप 13 दिसंबर के जलसे में सुन लेना ना, अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो क्या फायदा फिर? नवाज शरीफ साहब कल जो बात करेंगे आप सुन लेना ना उनकी बात इंशाल्लाह। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, थैंक यू। लेकिन मैं मीडिया के थ्रू सारे सरकारी मुलाजमीन से, ताजिरों से, दुकानदारों से, रेड़ी लगाने वालों से, मैं पूरे आवाम से ये गुजारिश करती हूँ कि वो सब जो इस नालायकी और नाअहली का शिकार है, वो कल आए इस जलसे के अंदर और हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। तोड़ के आएगी इंशाल्लाह। जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे, कानून आएंगे, उनके लिए रास्ता बंद करने की प्लानिंग की, क्या कहेंगे आप? ये आपको किसने कहा है? प्लान किया गया है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, ये इनके खौफ की निशानी है। ये जितना भी कर ले, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, सारी रुकावटें तोड़ के आएगी, इंशाल्लाह आएगी। मैडम, कल आप बिलावल के साथ आ रही हैं, वहाँ से इकट्ठे निकलेंगे रैली की सूरत में? इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे, इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे। अपोजिशन पूरी करप्शन के अलावा हमसे मुजाकरात करें, हम उनसे मुजाकरात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो जिन भी अल्फाज में अब आपसे NRO मांगे, PDM और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अब NRO नहीं देगी इंशाल्लाह। कल आप 13 दिसंबर के जलसे में सुन लेना ना, अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो क्या फायदा फिर? नवाज शरीफ साहब कल जो बात करेंगे आप सुन लेना ना उनकी बात इंशाल्लाह। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, थैंक यू। लेकिन मैं मीडिया के थ्रू सारे सरकारी मुलाजमीन से, ताजिरों से, दुकानदारों से, रेड़ी लगाने वालों से, मैं पूरे आवाम से ये गुजारिश करती हूँ कि वो सब जो इस नालायकी और नाअहली का शिकार है, वो कल आए इस जलसे के अंदर और हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे। जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे, कानून आएंगे, उनके लिए रास्ता बंद करने की प्लानिंग की, क्या कहेंगे आप? ये आपको किसने कहा है? प्लान किया गया है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, ये इनके खौफ की निशानी है। ये जितना भी कर ले, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, सारी रुकावटें तोड़ के आएगी, इंशाल्लाह आएगी। मैडम, कल आप बिलावल के साथ आ रही हैं, वहाँ से इकट्ठे निकलेंगे रैली की सूरत में? इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे, इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे। अपोजिशन पूरी करप्शन के अलावा हमसे मुजाकरात करें, हम उनसे मुजाकरात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो जिन भी अल्फाज में अब आपसे NRO मांगे,
नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अब एनआरओ नहीं देगी इंशाल्लाह। कल आप 13 दिसंबर के जलसे में सुन लेना ना, अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो क्या फायदा फिर। नवाज शरीफ साहब कल जो बात करेंगे आप सुन लेना ना उनकी बात इंशाल्लाह। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, थैंक यू। लेकिन मैं मीडिया के थ्रू सारे सरकारी मुलाजमीन से, ताजिरों से, दुकानदारों से, रेड़ी लगाने वालों से, मैं पूरे आवाम से ये गुजारिश करती हूँ कि वो सब जो इस नालायकी और नाअहली का शिकार है वो कल आए इस जलसे के अंदर और हुकूमत को